क्या मुसीबत है यार, कैरेक्टर बनने आए थे या लिखारी, रोज कोई ना कोई असाइनमेंट दे देते हैं, और ये मोहसिन का बच्चा अभी तक नहीं आया। यस बड़ी। बड़ी के बच्चे, कल असाइनमेंट की लास्ट डेट है, तुमने 8 बजे का कहा था और अब 1 बज रहा है। सॉरी यार, मैं बस अभी आया। जल्दी आओ यार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सर, आप वही किताबें उठाएं जो आपने पढ़नी है या जो आपके काम की है। तो तुम्हें कोई मसला है? जी मसला है, वो इतनी सारी किताबों को वापस तरतीब में रखने से दुश्वारी पेश होती है जी। असल में ना, हम फिल्म टी प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स हैं और हमें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा परेशान था तो इसलिए थोड़ा सा रवैया जहलाना हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। वैसे आपका मौजू क्या है? हम कश्मीर के मौजू पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं भी कश्मीर से हूँ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। नवाज़िश आपकी। मैं अभी आया। यार कहाँ रह गए थे तू? यार वो मैं नमाज पढ़ने लगा। तुम कब से नमाज पढ़ने लगे? तुम ठहरे एक एक्टर, और एक्टर का नमाज से क्या खास है? क्यों, दीन के ठेकेदार के सिर्फ तुम ही हो, मेरे को खुदा नहीं, या फिर खुदा प्रस्ती के सबूत के लिए हाथों में अंगूठियां, कानों में बूंदे और पैरों में खड़े पहन लूं? अल्लाह का शुक्र है, पांचों नमाजें पढ़ता हूँ। सभी पांचों नमाजें पढ़ते हैं, तुम कौन सा कमाल करते हो? मैं 6 नमाजें पढ़ता हूँ। ऐसे ही लोग दीन का चेहरा मस्त करते हैं, बेइज्जती है, जहन्नम में जाएगा। क्या कहा? मैं बेइज्जती हूं? मैं बेइज्जती नहीं, मैं कश्मीरी हूं, मैं मजलूम हूं जिसने कटे फटे लाशें देखे हैं, जिसने शहनाइयों वाले घर से आहो बुखा की चीखें सुनी है, जिसने दुशीजाओं के हाथों पे खून की मेहंदी और आंखों पर इंसानियत का मातम देखा है। जब मेरे भाई का जनाजा हुआ था ना, तो हमारे अपनों के सिवा कोई नहीं था। मेरी बहन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि खुदारा मेरे भाई की लाश को कांधा दो, मगर लोग गूंगे बहरे बने दूर भाग रहे थे। बस तब से मैंने ठान ली कि जब तक इन हड्डियों में जान है ना, मैं हर बहन की आवाज बनूंगा, हर शहीद की नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा। यही वो छठी नमाज है जो कि मैं पढ़ता हूं, जिसकी अजान किसी मस्जिद से नहीं बल्कि जमीन से आती है। और हम पर दूसरी मरतबा
कयामत टूटी ना तो मेरी माँ और मेरे पापा जुल्मत का निशाना बने। खून में लथपथ मेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़कर खुदा का वास्ता देने लगी, पर कहा कि अपनी बहन को लेकर पाकिस्तान चले जाओ इससे पहले कि हजारों बेटियों की तरह तुम्हारी बहन की इज्जत तार तार हो सके। और इंसानी हकूक के ठेकेदार उसका तमाशा देखते रहे। और हां, ये जन्नत दोजख के फैसले तुम मत करो, ये खुदा का काम है, खुदा को करने दो, उसे तुम्हारे मशवरों की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कश्मीर में मुसलमान और इंसानियत किसी मसीहा के इंतजार में अपनी आखिरी सांसें ले रही है, हो सके तो इंसानियत का सहारा बनो, सहारा बनो, सहारा। रुकिए और एक लम्हे के लिए सोचिए, जब पूरी इंसानियत उस कादरे मुतलिक के रूबरू खड़ी होगी, खून में नहाए मजलूम माए बेटियां कटे फटे लाशें लिए उस परवरदिगार से शिकायत करेंगी कि तेरे मानने वालों ने फिरका वारियत को तो हवा दी, कुफ्र के फतवे तो लगाए, लेकिन कोई आवाज हमारे लिए नहीं उठी। आज वक्त है आवाज उठाइए मजलूम के लिए, कश्मीर के लिए।